शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। पूर्वांचल का शोक, इंसेफ्लाइटिस का कहर लगातार जारी है। पिछले 48 घंटों में गोरखपुर के राघव दास मेडिकल कॉलेज में 30 नए मरीज भर्ती किए गए हैं, जिसमें 6 मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही इस साल इंसेफ्लाइटिस में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 227 तक पहुंच चुका है, जबकि अब 940 मरीज भर्ती किए जा चुके हैं। प्रदीप तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रदीप, लगातार अब आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्या व्यवस्था की जा रही है? जी बिल्कुल, बता दूं कि अभी हाल ही में मंत्री का भी दौरा हुआ था, मोदी जी भी आए थे और राहुल गांधी का भी दौरा इसमें हुआ था, लेकिन मौतों के आंकड़े पे कोई भी जो है रोक नहीं लग पा रहा है। अगर जनवरी से अब तक की बात करें तो 940 मरीज भर्ती हो चुके हैं, जिसमें 227 की मौत हो चुकी है। पिछले 48 घंटे में 30 मरीज भर्ती हुए हैं और 6 की मौत हो चुकी है। 152 का इलाज अभी भी चल रहा है। अगर कंडीशन मेडिकल कॉलेज बाबा राघव दास की बात करें तो 6-7 जिले बिहार और नेपाल के भी पेशेंट यहां आते हैं, क्योंकि यहां पे सुविधा की अगर बात करें तो 100 बेड का जो है मात्र जो है वार्ड है, जिसमें जो एक एक बेड पे 3-3 बच्चे इस समय जो है रखे गए हैं। काफी हालत जो है इस समय नाजुक है। वेंटिलेटर मशीन की अगर बात करें तो वो भी कम पड़ जा रहे हैं बच्चों के लिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि मंत्रियों का दौरा हो रहा है, लेकिन इस मौतों के आंकड़े पे कोई भी अभी तक रोक नहीं लग पाया है। दवाओं यानी कि जो कुछ भी व्यवस्था की जानी चाहिए थी वो अब तक नहीं दिखाई दे रही, जिसकी वजह से मौतें इस तरह हो रही है और अब तक भी मरीज लगातार भर्ती भी होते जा रहे हैं। शुक्रिया प्रदीप ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते, दिल्ली में पति पत्नी और बेटी ने एक साथ जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। कुछ दिन पहले डॉक्टरी कर रहे बेटी की मौत से परिवार परेशान था। सुसाइड नोट में मेडिकल में एडमिशन के नाम पर 35 लाख की चीटिंग का आरोप लगाया गया था। मामला दिल्ली के जाफरपुर इलाके के खेड़ा डाबर गांव का है, जहां भगवान दास, उनकी पत्नी शारदा और बेटी सरिता ने अपने घर में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कुछ दिन पूर्व इस परिवार का लाड़ला बेटा, जो रशिया से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, उसके हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरा परिवार डिप्रेशन में था और इसी के चलते उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। इनके घर से पुलिस को 7 पेज का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें इन्होंने अपनी मौत के लिए कई लोगों का नाम बताया है, जिन्होंने 2014 में इनके बेटे कुलदीप का मेडिकल में एडमिशन करवाने के नाम पर 35 लाख रुपए लिए थे और ना तो एडमिशन करवाया और ना ही पूरे रुपए वापस किए। इस सुसाइड नोट पर हर एक पेज पर भगवान दास के सिग्नेचर है, और जिसमें उन्होंने नोएडा के आलोक सिन्हा, नदीम और रोहड़ी और बुराड़ी के दफ्तरों का भी जिक्र किया है, जिन्होंने साल 2014 में इनके बेटे कुलदीप का मेडिकल में एडमिशन करवाने के नाम पर 30 लाख रुपए नकद और 5 लाख का डिमांड ड्राफ्ट लिया था, लेकिन 2015 तक इंतजार करने के बाद भी ना तो एडमिशन हुआ और ना ही पैसे वापस दिए गए। 2015 में कुलदीप ने अपने आप रशिया में एडमिशन लिया था और 94% अंक लेकर पहले साल में फर्स्ट भी आया। इस बार छुट्टियों में जब वो घर आया तब उसने अपने पैसे इन लोगों से वापस मांगे थे, लेकिन इन लोगों ने कुलदीप को कोई जवाब नहीं दिया। उधर घर वालों की आर्थिक तंगी को देखते हुए कुलदीप बहुत ज्यादा परेशान हो गया और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। उसके बाद जो परिवार था पूरी तरीके से टूट चुका था। प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रमोद, यहाँ पर सुसाइड नोट मिला हुआ है, नाम भी पूरी तरीके से सामने आ गया है आरोपी का, लेकिन अब कार्रवाई क्या की जा रही है, कुछ जानकारी लग पाई है? देखिए, इसने जो मुख्य जो आरोपी था और उसके जितने साथी हैं उनके खिलाफ 306 का मुकदमा दर्ज कर दिया है, यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एमबीबीएस में एडमिशन कराने के नाम पर उससे उनसे 35 लाख रुपए लिए थे 2014 में और कहा था कि मध्य प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन करा देंगे, लेकिन उसके बाद भी एडमिशन नहीं हुआ था। बार बार तकाजा कर रहे थे लेकिन एडमिशन नहीं मिला। और अब सूत्रों से कुछ अलग खबर निकल के आ रही है कि जो कुलदीप है उसने भी, उसको हार्ट अटैक नहीं आया था, उसने भी सुसाइड की थी, सल्फासी खाया था बाथरूम में, वो भी बंद मिला था। तो ऐसा लग रहा है कि वो दलालों के चक्कर में पड़कर और ऐसे लोगों के चक्कर में पड़कर एक नकली मेडिकल कॉलेज में उसने एडमिशन ले लिया था, जिसकी वजह से एडमिशन भी गया और उसका पैसा भी गया। तो ये बात घर वालों ने पुलिस से छुपाई थी, हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है कि वो अभी तक विस्तृत रिपोर्ट नहीं आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है और इन लोगों के खिलाफ 306 का मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्योंकि बेटा इकलौता बेटा था, 19 तारीख को रक्षाबंधन के अगले दिन ही उसकी मौत हो गई, उसके बाद से ही उसकी बहन, माँ और बाप सदमे में थे, माली हालत भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, पिताजी आर्मी थे, रिटायर थे, फिर डीटीसी में उन्होंने नौकरी की,
और वहां से भी यानी कि कुल मिलाकर जो पूरा परिवार था वो सदमे में था और यहां पर जो लड़का था उसने भी दबाव में एडमिशन ले लिया। कुल मिलाकर अब देखना ये होगा कि आगे इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। हालांकि मामला जरूर दर्ज कर लिया गया। शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ओडिशा के अंगुल इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 5 छात्र भी इसमें शामिल है जबकि हादसे में 30 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। हादसा पुरना मनित्री नजदीक में हुआ है जब बौद्ध से अथामलिक जा रही बस पुल से नीचे गिर गई। घायलों को नजदीक के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है जिसमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। इधर हादसे के बाद सीएम नवीन पटनायक ने जिला प्रशासन को हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों का इलाज मुफ्त में करने के लिए कहा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि बस किस वजह से गिरी थी लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ड्राइवर ने बस से अपना नियंत्रण खो दिया था जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। केजरीवाल की पार्टी के पदाधिकारियों पर आरोप लगने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर का है जहां आप पार्टी की महिला ब्रिगेड के संयोजक ने आरोप लगाया है कि पार्टी के मध्य प्रदेश के संगठन सचिव अमित भटनागर और गौरव वर्मा ने होटल में बुलाकर उसके साथ अश्लील हरकत की है। यह हरकत उसे छतरपुर विधानसभा सीट से टिकट दिलाने का झांसा देने के नाम पर की गई है। इस दौरान पार्टी पर्यवेक्षक भी वहां पर मौजूद थे। पार्टी हाईकमान से इसकी शिकायत के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब कोतवाली में इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करने की शिकायत की गई लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित महिला ने अब इसकी शिकायत एसपी से की है जिसके बाद एसपी ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। आम आदमी पार्टी में इस तरीके की हरकत हुई थी जो बताना लाजिमी नहीं है। मेरे साथ जो घटना हुई अमित भटनागर हमारे घर गौरव वर्मा जी को लेके आए थे कि मेरे से ये कहा गया था कि जी मतलब मध्य प्रदेश के पूरे पर्यवेक्षक हैं गौरव वर्मा और आपकी इच्छा है अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप इनसे मिल लीजिए आप इनको खुश कर दीजिए। आप पार्टी के छतरपुर के कोई सक्रिय कार्यकर्ता हैं उन्होंने महिला हैं कल आकर के एक आवेदन दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आप पार्टी के नेता हैं अमित भटनागर और उनके एक और कोई साथी हैं गौरव वर्मा इन्होंने पार्टी के किसी कार्य से उनको स्थानीय एक होटल में बुलाया। वो अपने पति के साथ गईं और फिर उनने कुछ गोपनीय बात करने के लिए पति को बाहर कर दिया और उसके बाद फिर उनके साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया। आगे बढ़ते फ्लाइट में सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 ले जाने पर रोक लगा दी गई है। डीजीसीए ने सिर्फ हैंड बैगेज में ही इसे ले जाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा फ्लाइट में गैलेक्सी नोट 7 को स्विच ऑफ मोड पर रखना होगा। डीजीसीए ने सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की बैटरी फटने की आशंका के चलते ये रोक लगाई है। इससे पहले अमेरिका में भी यात्रियों को चेतावनी जारी की जा चुकी है। बैटरी फटने के खबरों के बाद सैमसंग ने नोट 7 की बिक्री पर भी रोक लगा दी थी और 25,00,000 मोबाइल रिकॉल करने का फैसला किया था। सैमसंग ने कहा था कि वो नोट 7 की जगह नया गैलेक्सी नोट 7 देगा। बैटरी फटने की खबर की वजह से सैमसंग को अभी तक करीब 100 करोड़ डॉलर का नुकसान हो चुका है। जांच एजेंसियों की सख्ती से घबराए डिफॉल्टर विजय माल्या ने भारत वापस लौटने की इच्छा जताई है। माल्या ने कोर्ट को बताया है कि वो भारत वापस लौटना चाहते हैं लेकिन वो भारत ट्रैवल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया गया है। माल्या के खिलाफ समन जारी होने के बावजूद कोर्ट के सामने हाजिर नहीं होने पर याचिका दायर हुई थी। इस मामले में माल्या ने ये बात कोर्ट के सामने रखी है। 9 जुलाई को कोर्ट ने माल्या को कोर्ट में हाजिर होने से मिली छूट को खत्म कर दिया था और कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। माल्या ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि उन्हें कोर्ट के सामने पेश होने के लिए थोड़ा समय दिया जाए। वहीं ईडी ने कोर्ट में कहा है कि माल्या पहले ही कई मामलों में कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए हैं। ईडी ने माल्या की दलील पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें माल्या पर बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए बकाया है जिन्हें चुकाए बिना वो लंदन भाग गए थे।